चैनल स्टाइल गेम विद ज्योति। तो मैं हूँ ज्योति और मैं यहाँ पर पोस्ट करती हूँ मेकअप, ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइल गेम विद ज्योति, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ फ्लिपकार्ट चिकनकारी कुर्ती हॉल। तो यहाँ पर मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ चिकनकारी की कुर्तियाँ मंगाई हुई हैं जो कि फेस्टिव वेयर के लिए बहुत ही अमेजिंग है। एंड गाइस, फ्लिपकार्ट ना मुझे फेस्टिव वेयर की शॉपिंग के लिए एंड इंडियन वेयर के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे बहुत ही ट्रेंडी अफोर्डेबल रेंज पे बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन मिल जाते हैं। एंड फ्लिपकार्ट पे ना मुझे फेस्टिव सीजन में शॉपिंग करना बहुत ही अमेजिंग लगता है। फ्लिपकार्ट पे आपको 199 से स्टार्ट होकर 10,000 की रेंज तक आपको सूट साड़ियाँ मिल जाएंगी। एंड यहाँ पर ना आपको ग्रेट क्वालिटी में 500 के नीचे भी 5 लाख से ज़्यादा के सूट एंड साड़ियाँ वगैरह मिल जाएंगी। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई चीज़ फिट नहीं आती, पसंद नहीं आती, तो आराम से आप उसे रिटर्न कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे आपको इजी रिटर्न एंड एक्सचेंज का ऑप्शन भी मिलता है। एंड यहाँ पर आप अपनी फेवरेट डिजाइन लैंग्वेज में शॉपिंग भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ में शेयर करूँगी एक वाइट कुर्ती जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी, वो है ये कुर्ती। तो इसमें ना इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अमेजिंग है एंड इसकी प्राइस जो है वो 585 है। एंड इस पे ना आपको ये प्योर कॉटन में मिल जाएगा एंड यहाँ पर आपको हैंड एम्ब्रॉयडरी मिलेगी वाइट थ्रेड से ही है। सेम इसके नेक पे भी आपको यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी एंड इसके साइड में ना प्रिंसेस लाइन दी हुई है एंड इस पूरी प्रिंसेस लाइन पे आपको पोटली बटन्स मिल जाएंगे इस तरीके से, आप देख पा रहे हो यहाँ पर। एंड इसके बीच में इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो इसके साथ में कोई पैंट वगैरह नहीं है, ये सिर्फ कुर्ती ही है। एंड ये ना आप इसे जीन्स के साथ में, प्लाजो के साथ में, शरारा के साथ में, किसी के साथ में भी स्टाइल करो, बहुत ही सही लगने वाली है। एंड इसमें साइज जो मैंने लिया हुआ है ये मीडियम साइज लिया हुआ है एंड ये 100% कॉटन है। आप बहुत ही कम्फर्टेबल वे में इसे पहन सकते हो। बैक में आपको सिंपल राउंड नेक मिलेगा एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस तरीके से, पीछे के साइड में थोड़ी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। एंड इसकी स्लीव जो है आपको फुल स्लीव्स मिलेगी एंड इसकी लेंथ जो है वो एंकल लेंथ है। तो आप इसे पैंट वगैरह के साथ में, जीन्स के साथ में पहनो ना, बहुत स्मार्ट लगेगी। सो गाइस, सेकंड जो है वो मैंने ली हुई है ये ग्रे कलर की कुर्ती। तो यहाँ पर ना मैंने कुर्तियों की लगभग कई सारी वैरायटी ट्राई की हुई है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही सिंपल कुर्ती है। इसमें मैंने पेपरम कुर्ती भी ली हुई है, लॉन्ग कुर्ती भी ली हुई है एंड आप इसे मैक्सी ड्रेस पहन सकते हो, ऐसी कुर्ती भी है मेरे पास एंड एक प्रॉपर ड्रेस भी है। तो इसमें मैंने 3-4 वैरायटी ट्राई की हुई है। तो सेकंड जो है वो है ये पेपलम कुर्ती एंड इसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, इसका जॉर्जेट काफ़ी अच्छा है एंड इसमें आपको अंदर से लाइनिंग अंदर इसमें लगी हुई मिल जाएगी, अलग से नहीं मिलेगी। तो ये लाइनिंग जो है ना ये सिर्फ बॉडीज में है, नीचे फ्लेयर में लाइनिंग नहीं है एंड ये मशीन एम्ब्रॉयडरी है, ये हैंड एम्ब्रॉयडरी नहीं है। स्लीव्स आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी एंड यहाँ पर ये एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। साइज जो मैंने लिया हुआ है इसमें मीडियम लिया हुआ है, ये मुझे बिल्कुल फिट है। यहाँ पर आपको मिल जाएगी डोरी एंड इसमें टेसल्स लगे हुए हैं, तो इसको आप इस तरीके से टाइट करके अपने फिटिंग का बना सकते हो। नीचे के साइड में भी आपको इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। तो इस तरीके की जो ये कुर्तियाँ होती है ना, ये पैंट के साथ में बहुत अच्छी लगती है या फिर आप इन्हें जीन्स वगैरह के साथ में इंडो वेस्टर्न भी पहन सकते हो, कैजुअल वेयर में भी पहन सकते हो या फिर आप इन्हें फेस्टिव वेयर में भी ट्राई कर सकते हो, बहुत सही लगने वाली है। सो नेक्स्ट मैंने लिया हुआ है वो मैंने अपने फेवरेट कलर में लिया हुआ है, लैवेंडर शेड में। तो ये पूरा ना एक फुल कुर्ती है, लॉन्ग कुर्ती है, आप इसे मैक्सी ड्रेस की तरह भी पहन सकते हो या फिर कुर्ती की तरह भी पहन सकते हो। एंड इसका मटेरियल जो है वो रेयन है, आगे यहाँ पर आपको मिल जाएगी इस तरीके से बहुत ही प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है एंड इसमें छोटे छोटे ना सीक्वेंस लगे हुए हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से। एंड इसकी स्लीव जो है फुल है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक बॉर्डर स्लीव्स में एंड इसके नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये गैदर एंड ये बटन जो है ना ये खुलती नहीं है, बंद ही है एंड यहाँ पर आपको एक स्लिट मिल जाएगी एंड पूरी कुर्ती के नीचे यहाँ पर आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, छोटे छोटे बूटे बने हुए हैं। बैक में कोई भी एम्ब्रॉयडरी नहीं है एंड इसमें आपको मिल जाएगी ये कॉलर, यहाँ पर कॉलर नेक मिल जाएगी एंड इसमें मैंने साइज जो ले रखा है वो मीडियम साइज ले रखा है, तो मुझे बिल्कुल फिट है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, जीन्स वगैरह के साथ में भी पहन सकते हो या फिर नॉर्मल ड्रेस की तरह भी पहन सकते हो। क्वालिटी वगैरह बहुत ही सही है एंड इसकी प्राइस जो है वो 500 समथिंग है। तो इन पे जितनी भी कुर्तियाँ ली हुई है ना मैंने ज़्यादातर 500 से ऊपर की ही है, बट क्वालिटी इनकी बहुत ही अमेजिंग है। आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है उसमें भी आप पहन सकते हो एंड इसमें जो सीक्वेंस लगे ना इनकी शाइन बहुत अच्छी है एंड
यहाँ पर आपको थ्रेड की जो एम्ब्रॉयडरी है ये इसकी फिनिशिंग वगैरह ना काफ़ी सही लग रही है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो ट्रायल में आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके लुक जो है ना वो कैसा आ रहा है। सो गाइस, नेक्स्ट मैंने लिया हुआ है बहुत ही प्रिटी सी ये मजेंटा कलर की कुर्ती। इसमें ना पूरे में हैंड एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो ये एम्ब्रॉयडरी ना फुल कुर्ती में हो रखी है, यानी बहुत ही हैवी एम्ब्रॉयडरी लग रही है देखने में, बट इसका जो वेट है वो बहुत ही लाइट वेट है। जॉर्जेट है ये, इसका जॉर्जेट जो है काफ़ी फाइन है। इसकी स्लीव्स आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, स्लीव्स पे भी यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। साइज मैंने लिया हुआ है मीडियम, तो मुझे बिल्कुल फिट है, थोड़ी सी लूज है, तो आप कुर्ती को थोड़ा लूज भी पहन सकते हो या फिर थोड़ा फिट करवा सकते हो। बैक में आपको छोटे छोटे बूटे मिल जाएंगे पूरे में, एंड आगे इसमें राउंड नेक है, बैक में सिंपल राउंड नेक है, एंड यहाँ पर आपको ये पोटली बटन्स मिल जाएंगे। एंड इसका लुक जो है ना वो काफ़ी अच्छा आता है, आप इसे शरारा वगैरह के साथ में पहनो या फिर पैंट के साथ में, उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। एंड इसके साथ में आपको मिल जाएगी ये अंदर लाइनिंग, तो लाइनिंग आपको अलग से बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ में ही आपको ये कॉटन की लाइनिंग मिल जाएगी, तो ये थोड़ी बड़ी है, आप इसको फिट करवा सकते हो क्योंकि मुझे ये थोड़ी सी बड़ी है। एंड लेंथ भी इसकी प्रॉपर है, एंड इसका मटेरियल जो है वो कॉटन है, तो आपको इसके नीचे अस्तर या फिर कुछ लगवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसके साथ में ही ये मिल जाएगा। तो आप ये कुर्ती ट्राई करना चाहते हो ना तो डेफिनेटली कर सकते हो, बहुत ही सही है। एंड इसकी एम्ब्रॉयडरी की फिनिशिंग वगैरह ना वो बहुत अच्छी है। सो गाइस, नेक्स्ट मैंने जो लिया है वो मुझे बहुत ही प्रिटी लगा, आप इसे दिवाली के लिए डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, मतलब बहुत ही सही है। इसमें आपको बहुत सारे कलर भी मिल जाएंगे, तो इसको मैंने लिया हुआ है ये ऑफ वाइट कलर में। आगे यहाँ पर इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी दे रखी है, एंड यहाँ पर आपको ये स्ट्रैप मिल जाएंगे, एंड बैक में ये बिल्कुल प्लेन है। इसमें मैंने मीडियम साइज लिया हुआ था, बट ये मुझे थोड़ी सी लूज है, तो साइड में फिट करवा सकते हो आप, या फिर आप एक साइज छोटा मंगवा सकते हो, बट इसमें अगर फिट करवा लो तो ज़्यादा सही है, जैसे कि बाद में अगर हमें लूज करना हो तो आराम से हो जाए। नीचे के साइड में आपको इस तरीके से दो लेयर में इसका फ्लेयर मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो ये दो लेयर में फ्लेयर है, नीचे के लेयर में कुछ नहीं हुआ है, ऊपर वाले में आगे यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, एंड बैक में प्लेन है। एंड ये जो है एम्ब्रॉयडरी ना, ये चिकनकारी का जो मशीन वर्क होता है ना, ये वो है, ये हैंड एम्ब्रॉयडरी नहीं है, बट इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, तो आप इसे फेस्टिव वेयर के लिए तो डेफिनेटली ले सकते हो। एंड इसके साथ में आपको मिल जाएगा बहुत ही प्यारा सा ये प्लाजो, एंड सबसे सही चीज़ है ना इसका जॉर्जेट, ये बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब इतना सॉफ्ट है इसका जॉर्जेट, यहाँ पर आपको ऊपर इलास्टिक मिल जाएगी, अंदर आपको इस तरीके से लाइनिंग दी हुई है। तो यहाँ इसका फ्लेयर जो है ना कुछ इतना दिया हुआ है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसकी लेंथ जो है वो पूरी 40 इंच है, तो आराम से फिट आ जाएगी। एंड इसके साथ में है ये दुपट्टा, दुपट्टा बहुत बड़ा सा नहीं है, छोटा सा दुपट्टा है। आगे यहाँ पर ये लेस बना हुआ है, जिसे आप गले में बस ऐसे चिपका सकते हो, एंड बाकी यहाँ पर आपको दुपट्टे में कुछ इतनी बर्थ मिल जाएगी। तो दुपट्टे की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो ये ड्रेस जो है ना ओवरऑल मुझे बहुत ही पसंद आई। एंड इसकी प्राइस जो है वो 1000 तक है, तो आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, बहुत ही सही है। इसमें आपको लैवेंडर शेड मिल जाएगा, ब्लू मिल जाएगा, ग्रीन मिल जाएगा, तो इसमें मुझे ये कलर अच्छा लग रहा था, लैवेंडर अच्छा लग रहा था, बट मुझे ये मैंने एक लैवेंडर कुर्ती ले ली थी, इसलिए मैंने इस कलर में लिया हुआ है, तो आप ट्राई कर सकते हो। क्वालिटी वगैरह बहुत ही सही है, एंड प्राइस के अकॉर्डिंग ना तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड गाइस, यहाँ पर जितने सारे प्रोडक्ट मैंने दिखाए हैं इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इनके साथ कुछ भी लेना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा, एंड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, टेक केयर, बाय।